पूजा जाता है, माँ को पूजा जाता है और स्त्री की भी पूजा होती है। परंतु जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है, जिनके घरों में बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, हमारी लड़की, पहले बाप के पिता की, पहले बाप के पहली बीवी की लड़की, हम सबसे शादी कर सकते हैं, तो हिजाब तुम्हें घर में पहनना चाहिए। अरे बाहर निकल करके तुम सूरत दिखाओ या ना दिखाओ, आप खूबसूरत हैं या बदसूरत है, हमें क्या लेने देना। लेकिन जहां हिजाब पहनना है वहां हिजाब लगा के रखेंगे, और जहां हिजाब लगाना है वहां हिजाब पहन के रखेंगे। भाई उल्टा करोगे तो गल उल्टा ही होगा। एक बात निश्चित मान लीजिए, हमारे ये सनातन की संस्कृति है कि नारी की पूजा की जाती है, और हमारे यहां जब देवताओं को भी आवश्यकता पड़ती है दुष्टों को मारने के लिए, तब देवी का आह्वान किया जाता है। और इसलिए नारी का स्थान सर्वोपरि है, मां का स्थान सर्वोपरि है, अर्धांगिनी का स्थान, पत्नी का स्थान आधा शरीर कहलाता है, अर्धनारीश्वर की कल्पना, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा हम देख सकते हैं। जहां नारी का इतना श्रेष्ठ स्थान है, वहां पर हिजाब पहनने की जरूरत है क्या उस देश में? नहीं, भारत में हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है। अरे हिजाब तो तुम्हें घर में पहनना चाहिए, हमारे घरों में तो सनातनियों के घरों में तो हिंदुओं